हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपनी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन जो कि सेक्शन 141 डील करता है। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनीज एक्ट 2013 में कौन से सेक्शन में कौन से प्रोविजंस को डील किया गया है। जस्ट एक बार हम बहुत जल्दी से इसको देखते हैं। तो सेक्शन 139 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। सेक्शन 140 डील करता है रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग Special notice section 141 deal karta hai eligibility, qualification and disqualification of auditor. Section 142 remuneration of auditor. Section 143 power and duties of auditor and auditing standards. Section 144 auditors not render a certain services. Section 145 auditor to sign audit report. Section 146 auditor to attend general meeting. Section 147 punishment for contraventions. Section 148 central government to specify audit ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज। तो ये सारे सेक्शंस हैं जिसमें कंपनी ऑडिटर के ये प्रोविजंस को डील किया गया है। लेकिन हम सबसे पहले जो आज सेक्शन उठा रहे हैं वो है सेक्शन 141। क्योंकि पहले हमें ये पता हो कि कंपनी ऑडिटर के लिए क्या एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, डिसक्वालिफिकेशन क्या होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट और रिमूवल वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 141 क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। तो सेक्शन 141 में कहा गया है क्या कि ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर बनने के लिए दो चीज़ हो गई, या तो वो इंडिविजुअल होगा और या फिर वो फर्म होगा। अगर वो इंडिविजुअल है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? एन इंडिविजुअल शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ ही और शी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक इंडिविजुअल कंपनी ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल तभी होगा, तभी अपॉइंटमेंट होगी उसकी बीइंग अ कंपनी ऑडिटर, जबकि वो क्या हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को होल्ड किया हुआ हो, तब जाके वो इंडिविजुअल बीइंग अ कंपनी ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल होगा। सेकेंड केस, अगर फर्म है तब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो फर्म, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ अ सीए इन प्रैक्टिस। अगर पार्टनरशिप फर्म है और जो कि सीए है और प्रैक्टिस में है, तो अ फर्म शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, दैट इज दे आर सीए। तो क्या बोला गया, अगर वो फर्म है और फर्म को कंपनी ऑडिटर हम अपॉइंट करना चाहते हैं, पूरी फर्म को, तो हम कैसे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या देखेंगे? तो उसमें ये है कि इस फर्म के जो मेंबर हैं, जो पार्टनर हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ इट्स पार्टनर मतलब मैक्सिमम पार्टनर क्या होने चाहिए, सीए होने चाहिए। वो प्रैक्टिस कर रहे हो कहाँ में, इंडिया में, और वो अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड हो। अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड इंडिविजुअल कैटेगरी क्या थी कि वो सीए हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर सीए हो और वो कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, इंडिया में, तब जाके हम ऐसी फर्म को कंपनी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये तो उसकी एलिजिबिलिटी हो गई और क्वालिफिकेशन सीए हो गई। ओके, तो अब हम देखते हैं दूसरी बात जो कही गई है, डिसक्वालिफिकेशन क्या होती है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 डील करता है। क्या कहता है, द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। ये पर्सन कंपनी ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। कौन कौन? अ बॉडी कॉर्पोरेट, अ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अदर देन LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जैसे जो कि एक कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हुई होगी, वो एक कंपनी ऑडिटर के लिए अपॉइंट नहीं की जा सकती, मतलब उसे पर्सन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, वो कंपनी ऑडिटर के लिए एलिजिबल नहीं है। कौन? जो कि कंपनी हो, ठीक है, LLP को छोड़ के। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी की ऑडिट होने जा रही है या जो कंपनी है उसी कंपनी का कोई ऑफिसर या कोई एम्प्लॉय, भाई कोई एम्प्लॉय है वो सीए की डिग्री होल्ड कर रखा है, तो सीए है तो एलिजिबल है इंडिविजुअल बीइंग इंडिविजुअल कंपनी ऑडिटर बनने के लिए। लेकिन चूंकि वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है या उस कंपनी का ऑफिसर है, तो वो क्या हो गया, डिसक्वालीफाई हो गया, भले ही वो क्वालिफिकेशन को होल्ड करके क्यों ना रखा हो। थर्ड इज अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय। कौन? अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी मतलब जो कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉई हैं, ठीक है। इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी मतलब कि जो इंडिविजुअल या फर्म कंपनी ऑडिटर बनने के लिए अपॉइंट की जा रही है, होने जा रही है, जो एलिजिबल है, उसका कोई भी पार्टनर या कोई भी एम्प्लॉय उस कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉई की कैटेगरी में ना आ रहा हो। मतलब या तो उस कंपनी का जो ऑफिसर या एम्प्लॉई है, मान लीजिए कोई फर्म है, फर्म में जो सीए है, जो प्रैक्टिसिंग पार्टनर हैं, वो उस कंपनी के किसी एम्प्लॉई के भी पार्टनर हैं, तो भी वो एलिजिबल नहीं हुए। या उस कंपनी में कोई ऑफिसर काम कर रहा है और इस फर्म की कोई पार्टनर उनके यहाँ भी काम करते हो, उस ऑफिसर के यहाँ भी काम करती, तो एम्प्लॉयमेंट में हो गए, तो भी वो एलिजिबल नहीं है। मतलब कोई भी पार्टनर या कोई भी एम्प्लॉई उस कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय या उस कंपनी के कोई सब्सिडरी है, कोई होल्डिंग है, कोई एसोसिएट्स है, उसके आप ऑफिसर या एम्प्लॉय हैं या उससे आपका रिलेशन है, तो भी एलिजिबल आप नहीं हैं। अब नेक्स्ट कौन हो गया, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, वो खुद या उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट एक्सीडिंग ₹1,00,000, वो खुद या उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई पार्टनर उस कंपनी में कोई शेयर्स, कोई सिक्योरिटी या किसी भी तरीके से उनका कोई इंटरेस्ट, उनको कुछ फ़ायदा मिल रहा है जो कि ₹1,00,000 से एक्सीड कर रहा है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे बीइंग अ कंपनी ऑडिटर। अगर 1,00,000 से कम है और आज तक आपने कोई सिक्योरिटी होल्ड करके रखी है तो आप एलिजिबल हैं, तो आप सीए वहाँ के कंपनी ऑडिटर बन सकते हैं। पर अगर 1,00,000 से ज़्यादा हो गया है तो आप वहाँ के कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकते, चाहे आपने होल्ड किया हो या आपका किसी रिलेटिव या पार्टनर ने क्यों ना होल्ड किया हो। नेक्स्ट इज इंडेप्टेड इन एक्सेस ऑफ ₹5,00,000, अगर वो पर्सन जो कि कंपनी ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल हो रहा है वो उस कंपनी से 5,00,000 या उससे ज़्यादा रुपये उधार लेके रखा हो, डेप्ट है उसके ऊपर, तो भी वो कंपनी ऑडिटर नहीं माना जा सकता। और इस सबके पीछे रीज़न क्या होता है कि कंपनी ऑडिटर होने के लिए आपको जो क्वालिटीज़ होती हैं वो मेंटेन होती हैं, जिसमें होती है इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो यहाँ से इंडिपेंडेंसी जो होती है वो ख़त्म हो सकती है। अगर आपका इंडेप्ट है कंपनी पे, तो कंपनी आप उधार ले रखे हो तो ऑब्वियसली आप कंपनी के हित के बारे में करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऑब्लाइज रहोगे, तो आप इंडिपेंडेंसी से वर्क नहीं कर सकते हो, इंडिपेंडेंट होकर वर्क नहीं कर सकते हो, आप बायस डिसीजन लोगे, तो इसीलिए ऐसे पर्सनस को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट हैज़ गिवन गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑफ ₹1,00,000। आपने, मतलब जो कंपनी ऑडिटर बनने जा रहा है, उन्होंने अगर कोई गारंटी दे रखी है किसी को, जिस जो किस पर्पज़ से, किसी सिक्योरिटी के लिए है या कोई इंडेप्टनेस है, किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में गारंटी दे रखी है, वो गारंटी का अमाउंट 1,00,000 से एक्सीड कर रहा है, तो भी आप कंपनी ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज़ बिन रिलेशनशिप, सीधा या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से आपका कोई बिजनेस रिलेशन है उस कंपनी से, तो भी आप उस कंपनी के कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकते, आप डिस्क्वालीफाई हो। और क्या कहा गया है, और कहा गया है इफ़ हिज रिलेटिव इज़ डायरेक्टर और KMP एट्सेट्रा इन द कंपनी, जो ऑडिटर होने जा रहा है, कंपनी ऑडिटर के लिए जो अपॉइंट होने जा रहा है, उसका रिलेटिव क्या हो गया है, वो उसका रिलेटिव उस कंपनी का डायरेक्टर है या कोई की मैनेजरियल पर्सनल है, तो भी आप उसके कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। मतलब आपका कोई भी रिलेटिव की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 में एक्सप्लेन की गई है। जैसे HUF है तो उसके मेंबर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, या फिर उसमें आपका रूल 2014 में रूल 4 में बताया गया है कि फादर, मदर, स्पाउस, मतलब हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस और सिस्टर हो गई आपकी, या ब्रदर्स वाइफ हो गई, ये सब के सब रिलेटिव माने गए। तो किसी कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपका रिलेटिव कहलाता है, वो उस कंपनी का डायरेक्टर है या किसी अच्छी पोस्ट को होल्ड कर रखा है, की मैनेजर पर्सन की पोस्ट को होल्ड कर रखा है, तो वो कंपनी ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, फुल टाइम एम्प्लॉय एल्सवेयर, अगर आप यहाँ के तो कंपनी ऑडिटर बनने जा रहे हैं लेकिन आप कहीं और भी एम्प्लॉय हैं, तो भी आप कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ऑडिटर इज मोर देन 20 कंपनीज, अगर आप ऑलरेडी 20 या 20 से ज़्यादा कंपनी के कंपनी ऑडिटर अपॉइंटेड हैं, तो आप दूसरी कंपनी के कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकते। मतलब अगर ये कहा जाए कि एक ऑडिटर जो होता है, एक इंडिविजुअल कम से कम मैक्सिमम 20 कंपनी तक को होल्ड कर सकता है, वो 20 कंपनी के कंपनी ऑडिटर बन सकता है, उससे एक्सेस कंपनी का वो कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर फर्म है तो फर्म में मान लीजिए 3 मेंबर हैं, 3 पार्टनर हैं, तो कितना उनका लिमिट हो गया 60, 20 × 3, मतलब हर एक पार्टनर के लिए 20 की सीलिंग लिमिट है। तो 60 कंपनीज के वो ऑडिटर बन सकते हैं, उससे एक्सट्रीम वो कंपनी ऑडिटर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगे। कन्विक्टेड पर्सन, आपके अगेंस्ट में कोई केस या लॉ कोर्ट के केस चल रहे होंगे तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। और इंगेज इन कंसल्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, और अगर आप किसी ऐसी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो जो कि प्रोहिबिटेड है, लाइक आप उनके अकाउंटिंग्स कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन दे रहे हो, ऑलरेडी आप इस तरह की सर्विसेज में इन्वॉल्व हो, उनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन दे रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, फाइनेंशियल एडवाइस कर रहे हो, उनके अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हो, और फिर आप वहीं के कंपनी ऑडिटर बनने जा रहे हो, तो आप क्या माने जाओगे, डिस्क्वालीफाई। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जबकि आपको कंपनी ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कौन कौन एलिजिबल होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, और कब कब वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि वो कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। So, wish you all the best. Thank you.